काफी सारे दूसरे धर्म के लोग इस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा फखर करते हैं कि उन्होंने अपने बनाने वाले देवी देवताओं को देखा है, उनके पास उनकी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं और हत्ता के उन्हें उनका जेंडर भी पता है। फॉर एग्जांपल राम जी मेल थे, कृष्णा जी मेल थे, माँ सीता फीमेल थी और काली माता भी फीमेल थी वगैरह वगैरह। और इसी बात का फायदा उठाते हुए काफी सारे अंधभक्त हम मुसलमानों को कॉमेंट सेक्शन में डीएम्स में ट्रोल करते हुए हमसे अल्लाह पाक की तस्वीर मांगते हैं और नाउज़ बिल्ला अल्लाह पाक का जेंडर भी पूछते हैं। लड़का हो लड़की हो किसकी कोख से जन्म लेता है? औरत की कोख से। शिव जी से सबसे पहले अल्लाह आए थे, इनका पूछना ये मुसलमान कहाँ से गए? अल्ली आई थी क्या? और हमेशा की तरह मैं इनके सवाल का जवाब बड़ी ही इज्जत के साथ देना चाहूंगा। मेरे भाई ये जो जेंडर होता है ना, ये इंसानों का होता है, जानवरों का होता है और आपके केस में आपके मुताबिक आपके देवी देवताओं का भी है, लेकिन हमारा जो अल्लाह पाक है वो इस सबसे बहुत ही ज्यादा ऊपर है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक गॉड है, वो वादउला शरीक है, ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, और वो पैदा नहीं करता, वो एक क्रिएटर है, उसने इस पूरी कायनात को बनाया और ना जाने इस यूनिवर्स जितने और कितने यूनिवर्स बनाए। नहीं, आपको नहीं लगता कि कुछ तो फर्क होना चाहिए एक जानदार चीज में और एक खुदा में? नहीं, अगर ऐसी बात है तो तस्वीर तो मेरी भी है, जेंडर तो मेरा भी है, तो तुम अंधभक्त मेरी मूर्ति बनाकर मेरे आगे घंटा बजाना शुरू कर दो, शायद तुम अंधभक्तों के दिमाग में थोड़ी सी अकल आ जाए। ऐसे तुम अंधभक्तों के हालात देकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर भी दोगे। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, तकबीर कॉमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर लिखना। शुक्रिया।